सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो अजीत वैब टीवी ते मैं रोबे धंजल। अजीत बुलेटिन विच सारिआं दा निघा स्वागत करदी आं ते सब तों पहिलां नज़र मार लैंदे आं अज दीआं खास खास खबरां ते। सुखविंदर सिंह सुक्खू होणगे हिमाचल दे मुख मंत्री। तरन तारण दे थाणा सरहाली उत्ते रॉकेट लॉन्चर नाल हमला। सरहाली पुलिस स्टेशन हमला, विरोधी धिरां ने सरकार दी कारगुजारी उत्ते खड़े कीते सवाल। अकाली दल ने जगमीत सिंह बराड़ नूं पार्टी चों कढ़िआ, 6 सालां लई मैंबरशिप खत्म। प्रदर्शनकारियों ते पुलिस विचाले धक्का मुक्की। ते हुणे इन्हां खबरां दा विस्थार ते कुछ अहम खबरां। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चोणां च कांग्रेस वल्लों जित प्राप्त करन दे बाद मुख्यमंत्री दे अहुदे लई घमसान थम गया है, क्योंकि हाईकमान ने सुखविंदर सुक्खू दे नां उत्ते मोहर लगा दित्ती है। इस लई हिमाचल दे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू होणगे। इस दे नाल ही मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम होणगे। शिमला च नवे चुने गए कांग्रेसी विधायकों वल्लों मता पास करके कांग्रेस प्रधान नूं हिमाचल प्रदेश दा अगला मुख्यमंत्री चुनण दा अधिकार दित्ता सी ते मता सर्वसम्मति नाल पास कीता गया सी ते इस दौरान मीटिंगां दा दौर चलिया ते सुक्खू दे नां उत्ते मोहर लग गई है। पंजाब दे तरन तारण दे सरहाली थाने उत्ते शुक्रवार तड़के 1 बजे दे करीब रॉकेट लॉन्चर नाल हमला कीता गया। हमले तो बाद विच डीजीपी गौरव यादव ने सरहाली पहुंच के स्थिति दा जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन उत्ते दागया गया रॉकेट फौज दा हथियार सी, जिस नूं सरहद पारों लिआंदा गया सी। उन्होंने दस्सिया कि इस मामले दे विच यूएपी तहत मामला दर्ज कर लिया गया है ते कुछ लोकां नूं हिरासत दे विच लिया गया है। इस दौरान उन्हां नूं खालिस्तानी अतवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू दी जिम्मेवारी लैण बारे पुछया गया ता उन्होंने कुछ नहीं दस्या। साल 200 तो वध ड्रोन क्रॉसिंग हुई है। पिछले 1 महीने के अंदर असी बहुत सारे ड्रोन फड़े हैं, हेरोइन फड़ी है, असला तो एक्सप्लोसिव फड़े हैं। सो इस करके सानू यह लगता है कि साडा दुश्मन देश रैटल्ड फील कर रहा है ते इस नूं डिस्ट्रैक्ट करन लई रात दे टाइम एक बुजदली का अटैक किया गया है। यह जी स्ट्रैटेजी साढ़े गवंडी देश की हैगी टू ब्लीड इंडिया बाई अ 1000 कट्स, कि इस तरह के अटैक करके ते जी पंजाब पुलिस हैगी इन कोआर्डीनेशन विद BSF, इन कोआर्डीनेशन विद सेंट्रल एजेंसीज, असी इस इन्वेस्टिगेट करके इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखो जी, हाले फोरेंसिक डिटेल्स एग्जामिन की जा रही है, काफ़ी सिमिलैरिटीज है, असी इन डिटेल असी इन्वेस्टिगेशन बारे थोनू टाइम टू टाइम ब्रीफ करेंगे। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने तरन तारण दे सरहाली पुलिस स्टेशन उत्ते होए रॉकेट लॉन्चर हमले दी निखेधी कीती है। उन्हां ने ट्वीट करके कहा कि पंजाब दे विच 6 महीनियां च पुलिस दी इमारत उत्ते रॉकेट लॉन्चर नाल इह दूसरी वार हमला होया है। इह अमन कानून नूं कायम रखण उत्ते नारको अतवाद नूं मुड़ सिर चुकण लई आप सरकार दी उदासीनता दा सिद्धा नतीजा है। उन्हां ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं स्थिति दी गंभीरता नूं समझणा चाहीदा है अते ठोस उपाय करने चाहीदे ने। उत्थे ही श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर आगू महेश इंदर सिंह गरेवाल अते भाजपा सीनियर आगू अनिल सरीन ने कहा कि पहलां मोहाली दे विच इंटैलीजेंस हैडक्वार्टर उत्ते हमला ते हुण पुलिस स्टेशन उत्ते हमला चिंता दा विशा है। इह जिहड़ा हुण रात वी तरन तारण सांझ केंद्र ते RPG दा अटैक होया हैगा, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਕੜੇ, ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ RPG ਦਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਓ ਵੀ ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਹੇਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਡੂ ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਲਾਅ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ कि साड़ी सुरक्षा ले लोग फिर दे रहे हैं। आज एक बार फिर तरन तारण के सरहाली पुलिस थाने के उत्ते RPG अटैक होया। असी सारे जानते हैं कि पहले इंटेलिजेंस हैडक्वार्टर के उत्ते अटैक किया गया सीगा। इस सीधा सीधा पुलिस नूं ललकारिया गया कि तुहाडे पल्ले कुछ नहीं गा, असी जदों चाहवांगे जिथे चाहवांगे अटैक करांगे। रोज कतल किए जा रहे हैं, रोज गोलियां चल रही ने, फिरौतियां कॉलां आ रही ने, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कुमकरण की नींद सुते ने। आम आदमी पार्टी ने पंजाब का बेड़ा गर्क करके रख दिता है। आज कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा के रह गई है।
ना सरकार का किसी डर है ना पंजाब पुलिस का किसी डर रह गया। असि किहड़े पासे जा रहे हैं? क्या एक बार फिर अस्सी दशक वाल नहीं जा रहे? एक चिंता का विषय है। मैं भगवंत मान जी को बेनती करांगा, भगवंत मान जी अरविंद केजरीवाल और राघव चड्डे के चुंगल चो बाहर आओ, पंजाब की बागडोर संभालो और पंजाब नू सुरक्षित और शांतिमई वादा किया उसनू पूरा करो। पंजाब दे लोगां दे जान माल की रक्षा करना तुहाडी जिम्मेवारी बनती है। सीनियर आगू जगमीत सिंह बराड़ नू पार्टी विचों कढ़ दिता है। अकाली दल ने पार्टी विरोधी गतिविधियां अते गलत बयानबाजी करन नू लैके बराड़ दी मैंबरशिप 6 साल लई मुअत्तल कर दिती है। इस तों पहलां अज दुपहर 2 बजे तक बराड़ ने अनुशासन कमेटी अगे अपना पक्ष पेश करन दे लई चंडीगढ़ स्थित पार्टी दफ्तर पहुंचना सी, पर बराड़ खुद नहीं पहुंचे अते उन्हां नू पत्र भेजा। ते अनुशासनी कमेटी दे चेयरमैन सिकंदर सिंह मलूका ने कहा कि जेकर हुणे कारवाई ना कीती गई तां इस नाल पार्टी नूं नुकसान होवेगा। इस कारण पार्टी ने जगमीत सिंह बराड़ दी 6 साल लई मैंबरशिप रद्द कर दिती है। अज साडे पार्टी दे बहुत ही अहम मैंबर रहे, कोर कमेटी दे मैंबर रहे, अकाली दल दे सीनियर मीत प्रधान रहे, सरदार जगमीत सिंह बराड़, जिन्हां नूं पार्टी ने बहुत मान सत्कार दिता। पार्टी दे विच उन्हां दीआं कोई सेवावां नहीं सन, पर उहदे बावजूद भी बहुत वड्डा मान सत्कार पार्टी ने उन्हां नूं दित्ता तां कि पार्टी नूं उहदा फायदा हो सके। उन्हां नूं कोर कमेटी का मैंबर बनाया, एड्डी छेती किसी बंदे नूं कोर कमेटी का मैंबर बनाया नहीं जांदा, सीनियर मीत प्रधान पार्टी दे बनाया। उन्हां नूं उन्हां दा जिला छड्ड के दूजे जिले दे विच जा के टिकट दित्ती तां कि असैंबली दे मैंबर बन सकन। सो जिन्ना पार्टी कोई मान सत्कार जां इज्जत दे सकती सी बराड़ साहब नूं ओह पार्टी ने दिता, पर पता नहीं की बदकिस्मती पार्टी दी कहो जां बराड़ साहब दी कहो कि इन्ने मान सत्कार मिलण दे बावजूद भी पार्टी दे विच पता नहीं उन्हां दा पिछला सुभाव है कि वह एक पार्टी च टिक के वाला च रहिंदे नहीं हैगे। कई सुभाव ही बन जांदा हुंदा किसी चीज़ का, उहदा फिर बदलिया नहीं जा सकदा हुंदा। सो टिके रहिंदे नहीं, जिवें पिछली उन्हां दी हिस्टरी जो सारी कहिंदी हैगी भी टिके नहीं रहिंदे। ते नहीं तो जदों इन्ने इन्ने मान सत्कार किसी नूं पार्टियां च मिलदे ने फिर बंदे दिल ला के पार्टी नूं तकड़ा करन दी खातर काम करदे ने। सो ये सारियां गल्लां असीं विचार करके सारी कमेटी ने बड़ा लंबा समा अज वाली जिहड़ी हुण चिट्ठी आई है उहदे ते भी पिछलियां जो कारवाइयां 3-4 महीनिआं दीआं चल रहीआं 2-3 महीनिआं दीआं उह सारियां गल्लां ते विचार करके फिर असीं सारे इस सिट्टे ते पहुंचे हैं कि हुण इदू गांह नहीं चलिया जा सकदा। हुण पाणी जिहड़ा हैगा उह पुलां तो लंघ गया उत्तों दी, हुण इह गल मैनूं लगदा वी टिकणी नहीं। जे टिकाउणी हुंदी बराड़ साहब ने तां बराड़ साहब अज जरूर आ जांदे, आही दफ्तर आ उत्थे आउंदे इत्थे ही आउंदे हुंदे सी उह। अज आउण ते उहनां नूं कोई फर्क नहीं सी पैंदा पार्टी दे दफ्तर च आउंदा। जो कहिंदे मैं अकाली हां, अकाली दल दे विच ही रहिणा, अकाली दल दी सेवा कर रही हां, अकाली दल नूं तकड़ा करना, फिर अकाली दल दे प्रधान दी बणाई अनुशासनी कमेटी कोल कि आपदा पक्ष रखण दे विच उहनां नूं झिझक नहीं सी दिखाउणी चाहीदी, उहनां नूं दलेरी नाल आउणा चाहीदा सी। जिहड़े उह नहीं आउंदे उहनां दे मन दे विच कोई गल साडे समझ दे मुताबक होर है, फिर जे कोई बंदा आपदा आके पक्ष ही नहीं रखना चाहुंदा जां पार्टी दी जिहड़ी अनुशासनी कमेटी उहनूं मिलना ही नहीं चाहुंदा, इह तां फिर कल नूं काम बिगड़दा ही तुरिया जाएगा। सो इस करके सारी डुंघाई नाल विचार करन तों बाद भी हुण इहदू बाद फिर अग्गे पार्टी दा नुकसान है जे कोई नहीं कारवाई करदी पार्टी। सो अज असीं सारिआं ने फिर फैसला करके सरदार जगमीत सिंह बराड़ नूं पार्टी दी जिहड़ी मुढ़ली मैंबरशिप है उहदे तों खारज कर दित्ता। विमुक्त जाति कबीले दे लोकां दे वल्लों सिक्ख्या विभाग विच 2% राखवेंकरण नूं खत्म करन दे रोस वजों पंजाब सरकार दे कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर दे घर दे बाहर करीब 50 दिन तों धरना लगाया होया है, जिन्हां दे वल्लों अज दित्ते प्रोग्राम दे अनुसार स्पीकर कुलतार सिंह संधवा दी कोठी दा घिराओ कीता जाणा सी। इसे तहत प्रदर्शनकारी वड्डी गिणती विच कुलतार सिंह संधवा दे पिंड संधवा विखे पुजे अते कोठी दे बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिता। इसे दरमियान धरनाकारियां दे वलों जबरदस्ती स्पीकर कुलतार सिंह संधवा दी कोठी दे अंदर जबरदस्ती दाखल होण दी कोशिश कीती गई। इस दौरान पुलिस ने उन्हां नूं रोकण दी कोशिश कीती तां धरनाकारियां ते पुलिस दरमियान धक्का मुक्की होई। मेरा नाम नवदीप सिंह सांदरा जी, असीं बेरोजगार विमुक्त जातियां संघ वल्लों आए हां जी, अपने रुजगार लई अपने हकी मंगां लई इत्थे कुलतार सिंह संधवा दे पिंड स्पीकर दे पिंड आए हां। तो इत्थे जदों असी आए हाँ पुलिस प्रशासन ने साडे नाल इन्ना माड़ा वर्ताव किया, सानू धक्के मार मार के सुटिया, साडे सट्टां लाइया,
ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੀ 49 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਇੱਕ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 49 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ OSD ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ OSD ਜਿਹੜੇ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਜਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੁਗਰਾਓਂ ਪੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵੈਨ 'ਚੋਂ 2 ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੇ ਭੱਜਦੇ ਹੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ADCP ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵੈਨ ਚੁਗਰਾਓਂ ਪੁਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹਵਾਲਾਤੀ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਵੈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੱਜਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਭੱਜੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਵਾਲਾਤੀ ਇਹ 2 ਹਵਾਲਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਸਮੇਤ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ GNA ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨੋਟ ਸਮੇਤ 1 ਕਲਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ ਭੂਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਡਰ ਏਬਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਫ DGP ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਆ ਇਹ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ DCP ਜਸਕਿਰਨ ਤੇਜਾ ਆਪਣਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਆ ਕਰੰਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਆ ਇੱਕ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਵਨਦੀਪ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋ ਪਵਨਦੀਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਲਰੇਡੀ NDPS ਕਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਹੈ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਕਾ ਚੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਤਲਬ 1 ਗੁਣਾ ਓਰਿਜਿਨਲ ਕਰੰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 4 ਗੁਣਾ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਸਮੇ ਕੋਈ RV ਕੋਈ ਟੈਰਰ ਐਂਗਲ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਐਂਗਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਇਨਕਾ ਲਿੰਕ ਕਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਹਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੇਂਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖੋ ਹੈ ਤੋ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੇ NDPS ਦਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕਾ ਦੂਜਾ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸਮੇ ਫਿਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ NDPS ਕੇਸ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਐਂਗਲ ਔਰ ਕਿਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਂਗਲ ਉਹ ਵੀ ਹਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਅਭੀ ਤੱਕ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁਆ 2000 ਕਾ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ 500 ਕਾ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਵੀ ਹੈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੇ ਆਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖੁਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ
देश की राजधानी दिल्ली के टिकरी बार्डर तो किसानों ने एक बार फिर नारेबाजी की है। किसानों ने अज टिकरी बार्डर तो भी बड़ा ऐलान किया है। किसान हुण MSP लागू करन अते मुकम्मल करजा माफ़ी की मंग नूं लैके चंडीगढ़ वल मार्च करनगे। किसानों ने हरियाणा विधानसभा के बजट सैशन दौरान चंडीगढ़ वल मार्च करन दा ऐलान किया है। किसानों ने विधानसभा का घिराओ करन की चेतावनी भी दिती है। इन्ना ही नहीं किसानों का यह भी कहना है कि यूनाइटेड किसान मोर्चा की 24 तरीक नूं होण वाली मीटिंग दे विच किसान 26 जनवरी नूं वड्डे पद्धर उत्ते प्रदर्शन करन दा ऐलान भी कर सकदे ने। दरअसल पंजाब दे हुसैनीवाला तो शुरू हुई मशाल यात्रा नूं लैके किसान शनिवार नूं हरियाणा दे बहादुरगढ़ पहुंचे सन। लुधियाणा तो चंडीगढ़ रोड थाना जमालपुर के इलाके अधीन आउंदे फ्रेंड कलोनी नज़दीक मामूली कहासुनी तो बाद गोलियां चलण दा मामला सामने आया है। हालांकि इस घटना दे विच कोई भी जानी नुकसान नहीं होया। इस दौरान मौके ते पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित नौजवान ने दस्सिया कि उन्हां दा अपने किसी रिश्तेदार दे नाल मनमुटाव चल रहा सी, जिस कारण उस उपर हमला किया गया। उत्थे ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरी जी घर वाली है पूजा, वो नाल मेरी मासी दे मुंडिया दे थोड़े नजायज संबंध, करैक्टर लैस जनानी हैगी है। तो यह जो मैनू इन्ह दियाँ हरकतों का पता चलिया तो यह फिर मैनू हुण राह चो कढ़न की कोशिश करते पे ने रल के सारे, जिहदे विच मेरी मासी मासड़ तो उन्हां दे दोवें मुंडे प्लस मेरी घर वाली पूजा, ये सारे रल के इन्होंने अगे भी एक बार मैं दुध में कोई जहरीला पदार्थ दे के मारन की कोशिश की, जेदे फिर इन्होंने मेरी मासी मुंडिया ने तो इन्होंने मैं अपने घर मारकुट भी की थी, जो मैं इन्हों रिकॉर्डिंगा फड़ लिया सगिया मौके पर, जो मैंने रिकॉर्डिंगा फड़िया इन्होंने मेरे हाथों पाई की सी। तो इस चीज़ के बारे मैं फिर दरखास्त दी सी कमिश्नर अमृतसर से, तो DGP पंजाब तो CM साहब नूं मैं दरखास्त भेजी कि मेरे नाल आ वाकया हो चुकिया आ, तो मैं गुंडा अंसरां तो मरवाउण दीआं चुकाउण दीआं धमकियां मिल रही आ, जिहदियां मेरे को रिकॉर्डिंगा भी हैगियां आ, जिहदे विच रवीन मैमी तो नवीन मैमी तो मगर उन्हां दी मदर भी बोलदी पई है कुछ, तो इन्होंने मैनू जदों अपने धमकियां लाइया ही तो उस तो लैदा फिर एक इन्होंने कोई फलोर का कोई होएगा कोई गुंडा या बदमाश उस तो मैनू फोन कराया इन्होंने। पुलिस में कॉल की थी ते ओ मौके ते आ ही गए तकरीबन सारे थोड़ी देर बाद। नहीं नहीं उन्होंने नहीं मैं जानता, हाँ क्यों होर कहे ना मेरी लाग डाट ही नहीं, मैं तो कभी थप्पड़ नहीं मारिया, मैं इतने 5 साल तो नहीं 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 रेंट दे, मेरी प्रॉपर रिहायश पहला फगवाड़े से तो रहने वाला मैं अमृतसर था, तो आ कुछ समय तो जो मेरी घरवाली का इन्होंने मुंडिया के नाल थोड़ा गलत अंसर के नाल यदी बहनी खिलौनी होने लग पी, तो उन्होंने मैं लड़ाई चढ़ाई करके घरों भजा देना, हमेशा इन्हों का यही कोशिश रही कि घर ना रह सके, इन्होंने मैं घरों कढ़ देना ना, हूँ मैं अमृतसर जाना सीगा। नहीं नहीं मैं हूँ अमृतसरों नहीं डेली अपडाउन करता हूँ, जाने कि अमृतसरों मैं जिदन कोई ज़्यादा कोई इमीजिएटली काम हो मैं उदों इतने आना सी, तो साढ़ा एक दफ्तर पानीपत है तो मैं ज़्यादा पानीपत ही बैठता है। TV नगर के अजय कुमाना का बंदा वा दुकान करता वा, दो नौजवान आए ठीक है, जो बाद पता लगा बाइक पर सी, उन्होंने थोड़ी जी गलबात हुई, उस तो बाद दो फायर किए, गोली किसी लगी नहीं, तफ्तीश जारी है। कांग्रेस पार्टी वालों शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा जनवरी विच पंजाब दे विच दाखल होवेगी। इस नूं लै के कांग्रेस पार्टी दे वर्करां वालों तैयारियां शुरू कर दित्तियां गईयां ने। कांग्रेस पार्टी वालों नियुक्त किए गए अबजरवर रजिंदर छापड़ा दे वालों फाजिलका दा दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने फाजिलका दे साबका विधायक अते कांग्रेस दे जिला प्रधान दविंदर सिंह कुबाया तो तैयारियां संबंधी जानकारी हासिल की अते वर्करां दीयां ड्यूटियां लगाईयां। मीटिंग नूं संबोधन करदिआं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वल्लों चलाई जा रही मुहिम भारत जोड़ो यात्रा नूं पूरे भारत दे लोकां दे वल्लों भरमा प्यार ते सतिकार मिल रहा है। अज असीं भारत जोड़ो यात्रा दे संबंध दे विच जिहड़ी कि राहुल गांधी जी कन्याकुमारी तों लै के चले जिन्हां ने कश्मीर तक जाना, उस संबंध दे विच अज सानूं एक मीटिंग असीं वर्करां दी रखी सी,
कि बहुत खुश नसीब है असी पंजाब के लोग कि जिदे विचों यात्रा जा रही है सानू मौका जिहड़ा मिल रहा है कि असी अपने महान लीडर श्री राहुल गांधी जी के नाल असी 11 दिन तकरीबन कट्ठे रहांगे और इस यात्रा के हिस्सा बनांगे। तकरीबन पक्का टाइम सानू आजूगा 11 जनवरी तो लैके 15-20 जनवरी के जिहड़ी आ यात्रा ये पंजाब दे विच पहुँच रही है। असी शंभू बॉर्डर तो उन्होंने अंबाले तो जो आवे उन्होंने रिसीव करांगे, उस तो बाद फतेहगढ़ साहब इधर लुधियाना जलंधर हुंदिया होया उन्होंने पठानकोट थ्रू जाना हैगा ये यात्रा ने कश्मीर तकर कश्मीर च यात्रा दे तकरीबन 4.5 महीने की यात्रा है। 3 महीने तो उत्ते तो उन्होंने हो चुके हैं तुरियां नूं वर्करां नूं तो जिहड़ा सुनेहा है ही है। इहदे नाल साडी आम लोग जिहड़े है बहुत स्कूलों के स्टूडेंट्स ने आम जिहड़ी जनता है इस उन्होंने बहुत सलाया और बहुत उन्होंने गल कही है भी तगड़े होके तुसीं करो असीं तुहाडे नाल हैं। जिते साडा वर्कर एकमुट हो रहा है उत्थे जनता भी साडे नाल बहुत जुड़ रही है। इहदा मकसद ही है भारत जोड़ो यात्रा का गरीब अमीर सब नूं नाल लैके असीं इह जिहड़ी है यात्रा लैके चल रहे हैं। चक्रवाती तूफान मेंडोस ने चेन्नई के ममलापुरम तट नाल टकराउण तो बाद विच तबाही मचाई है। ममलापुरम तट तो लंघण तो बाद चक्रवाती तूफान ने शहर अते आस पास के खेतरां नूं प्रभावित किया है। इत्थों तक कि 400 तो वध दरख्त भी उखड़ गए ने ते तमिलनाडु दे मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा है कि तूफान 9 अते 10 दिसंबर की दरमियानी रात नूं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे नाल हवा दे नाल तट नाल टकरा गया। एसी अजीत का विशेष बुलेटिन होर नवी खबर लैके जल्दी हाजिर होवांगे। बने रहो अजीत वैब टीवी दे नाल।